ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हमने देख लिया और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, लेकिन ये खुद कंट्रोल होती है किसके, हाइपोथैलेमस की। इसीलिए हाइपोथैलेमस क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये हाइपोथैलेमस है अगर, तो ये ऐसे करके जुड़ रही है इससे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है, दिस स्टॉक इज इनफंडिबुलम, दिस इज इनफंडिबुलम, या इसको हम पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक, दोनों में से हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, नर्वस सिस्टम से या फिर हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या फिर इससे कोई भी जुड़ी कोई चीज होती है, तो याद रखिए कि पूरा नर्वस सिस्टम हमारा एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है, तो वहां पर जो ग्लैंड होगी वो भी एक्टोडर्मल ओरिजिनेट होगी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है हाइपोथैलेमस की तरह। ठीक है, तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय इन्फंडिबुलम एंड पिट्यूटरी स्टॉक, ये बताया मैंने अभी आपको, प्रेजेंट इन डिप्रेशन। अब स्फेरॉइड बोन होती है, एक स्फेरॉइड बोन होती है ब्रेन में, इस तरफ हम जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि स्फेरॉइड बोन एग्जैक्टली कहां पर है, पर अभी आप ये समझ लीजिए साइड में एक स्फेरॉइड बोन होती है क्रेनियम में। स्फेरॉइड बोन में छोटा सा डिप्रेशन होता है, जगह बनी होती है, खांचा बना होता है, उस डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। ठीक है, या सिचुएट करती है, उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, सेला टर्शिका, सेला टर्शिका। तो आपसे मैं पूछता है कि लोकेशन क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो आप क्या बताओगे, इट इज प्रेजेंट, इट इज लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ स्फेरॉइड बोन एंड दैट डिप्रेशन इज नोन एज सेला टर्शिका। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, वेट कितना होता है इसका, हाफ अ ग्राम, आधा ग्राम इसका वेट है इस ग्लैंड का। ठीक है, अब बहुत सी बुक इसको स्मॉलेस्ट कहती है, पर एक्चुअली में स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो पीनियल ग्लैंड है, जो हम बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, तो आपको सेकंड स्मॉलेस्ट कह सकते हो। ओके, तो ये हुई कुछ जनरल बात है पिट्यूटरी के बारे में। एक पॉइंट और जानते हैं जो हमने पहले भी देख लिया था, पर फिर से देख लेते हैं कि अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसमें ये जो हिस्सा है, इट इज, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसे समझिए आप, ये दो हिस्सों में पहले डिवाइडेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हिस्सा जो है ये है क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये हिस्सा जो है ये क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और ये एडिनो हाइपोफाइसिस है। मैंने बताया था आपको कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये वाला पार्ट बन जाता है क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स डिस्टेरिस भी कहते हैं, पार्स डिस्टेरिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस का जो दूसरा पार्ट है वो बीच वाला, ये क्या है, मिड पिट्यूटरी, दिस इज मिड पिट्यूटरी, या इंटरमीडिएट लोब भी कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट लोब या मिड पिट्यूटरी। इसका नाम क्या है दूसरा, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट है ये क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं, पार्स
नर्वोसा पार्स नर्वोसा, तो पार्स स्टेनिस एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, मिड पिट्यूटरी हो गया पार्स इंटरमीडिया, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या हो गया पार्स नर्वोसा, इसको ये क्या है दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब इज इक्वल टू इंटीरियर पिट्यूटरी प्लस मिड पिट्यूटरी, और ये कितना पोर्शन है पूरे टोटल पिट्यूटरी का 75%। तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है एडिनो हाइपोफाइसिस है वो कितना है 70% है, और जो नीरो हाइपोफाइसिस है वो कितना है 25% ठीक है। तो ये समझ लीजिए इसको आप। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एक हाइपोफाइसिस पोलर सिस्टम होता है जो कि हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी सॉरी एडिनो हाइपोफाइसिस में हार्मोन्स लेकर आता है, कौन सा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये बताया था आपको पिछले वीडियो में, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये बताया था आपको मैंने कि जो फेरिंग बॉडीज होती है न्यूरॉन के अंदर वो लेकर आती है सीधे सिक्रीशन, वहां पर पोर्टल सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ पर पोर्टल सिस्टम यहाँ से यहाँ नहीं आता है, यहाँ पर सीधे एक्सॉन ही लेकर आते हैं हार्मोन को ठीक है। अच्छा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये हार्मोन बनाती है ओके, हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करता है, ये अपने हार्मोन बनाती है और उनको सिक्रीट करती है, मिड पिट्यूटरी भी यही करती है। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये बने बनाए हार्मोन्स लेती है हाइपोथैलेमस से, तो ये सिक्रीट तो करती है पर ये प्रोड्यूस नहीं करती ठीक है। तो वो कौन से दो हार्मोन है जो यहां से सिक्रीट होते हैं, कौन से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, याद रखिएगा ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं बट यहां पर ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं, दे आर रिसीव्ड ओके, दे आर रिसीव्ड रेडीमेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, दे आर प्रिपेयर्ड इन हाइपोथैलेमस एंड गेट रिसीव्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनटू हियर, समझ में आया ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं आपको मैं कि इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी दीज टू हार्मोन्स डू नॉट गेट प्रोड्यूस्ड, दे आर रिसीव्ड रेडीमेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड दे आर जस्ट सिक्रीटेड और रिलीज्ड फ्रॉम हियर ओके। बाकी सारे जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर मिड वाले वो सारे प्रोड्यूस भी यही होंगे और रिलीज भी यही करेंगे, लेकिन सिर्फ ये दो हार्मोन ऐसे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो कि प्रोड्यूस नहीं होते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी के अंदर, ये सब सीक्रेट होते हैं ठीक है ओके। अब हम देखते हैं कौन कौन से हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो सीक्रेट करती है। ठीक है तो पहला हार्मोन है इसमें कौन सा ग्रोथ हार्मोन, इसको हम सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं सोमैटोट्रोफिन। देखिए बायो में ना हर वर्ड का मतलब होता है सोमैटोट्रोफिन, सोमैटो मतलब सोमैटिक सेल्स, जब आपकी हाइट बढ़ती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है सोमेटिक सेल्स की बहुत तेजी से नंबर बढ़ते हैं, तभी तो हाइट बढ़ेगी अब तभी तो आपकी बॉडी ग्रोथ होगी, ये सोमेटिक सेल्स बढ़ रही है। हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल होती है सोमेटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब क्या होता है कि स्पर्म एंड ओवम, लेकिन यहाँ पर उनके बढ़ने का मतलब है नहीं ग्रोथ हार्मोन में, यहाँ पर बॉडी के बढ़ने की बात की जा रही है, तो बॉडी के बढ़ने में सोमेटिक सेल्स का याद होगा तो सोमेटोट्रोफिन, ट्रोफिन मतलब इंक्रीज इन नंबर, तो सोमेटोट्रोफिन हो रहा है ठीक है बढ़ रहा है ओके। तो ग्रोथ हार्मोन है पहला हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में पहले जान लेते हैं हम, उसके बारे में बाकी हार्मोन अच्छा पहले नाम देख लेते हैं हम। दूसरा है ACTH, तीसरा है TSH, चौथा है प्रोलैक्टिन, पांचवा है गोनेडोट्रोपिन्स ठीक है। इसमें कौन से आते हैं दो FSH और LH, ये हमने हाइपोथैलेमस में भी देखा था।
तो अब हम जानते हैं इस हार्मोन के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं इस हार्मोन के बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। सबसे पहले तो कि अगर आपसे पूछता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तो क्या करता है, इट डज या इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपसे कोई पूछता है कि काम कैसे करता है, ऐसा क्या करता है कि इससे ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाती है, तो इसको समझिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो है वो तीन पॉइंट्स में आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इट इंक्रीजेस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली हमारी बॉडी ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। तो इसलिए जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इंटेस्टाइन से ज्यादा कैल्शियम आयंस, मतलब हम जो फूड खा रहे हैं उसमें जितना भी कैल्शियम है वो ज्यादा से ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम किसमें हेल्प करेगा, हमारे बोन्स की ग्रोथ में, तो हमारी बोन्स की ग्रोथ होगी कैल्शियम की वजह से, तो कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट ग्लाइको जीनोलाइसिस। हमारी बॉडी को इस समय बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, तो एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज कैसे मिलेगा, हम जो खाएंगे ग्लूकोज उससे मिलेगा। हमारी बॉडी में कुछ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट भी होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन, तो वो ग्लाइकोजन भी टूटेगा और उससे ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में वो प्रोसेस कहलाती है क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मींस स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ये तीन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ग्रोथ हार्मोन काम करता है। तो आपसे हमें पूछता है ग्रोथ कैसे काम करता है, आप ये तीन पॉइंट्स को बता देंगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ग्रोथ हार्मोन इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये ज्यादा रिलीज हो जाए या ये कम रिलीज हो जाए। ज्यादा रिलीज कंडीशन को हम कहते हैं क्या, हाइपर सिक्रीशन, और कम रिलीज कंडीशन को हम कहते हैं क्या, हाइपोसिक्रीशन, ठीक है। यहां देखिए अच्छा, पहले हम देखते हैं हाइपोसिक्रीशन, हाइपो, अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का मतलब कम सिक्रीशन हो रहा है, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, अगर कम सिक्रीशन होता है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, पहला ड्वार्फिज्म, दूसरा एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया क्या फर्क है दोनों में, ड्वार्फिज्म जो है मतलब अगर प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है, याद रखिएगा मैं तो कह रहा हूं बिफोर प्यूबर्टी, मैं इसको यहां से साफ करता हूं, ठीक है, अगर बिफोर प्यूबर्टी हाइपोसिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का या कम रिलीज होता है नॉर्मल अमाउंट से, तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब रुकी हुई ग्रोथ, छोटी रह जाती है हाइट, ठीक है, तो पूरी बॉडी का प्रोपोर्शन भी छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ हाइट की और हाथ का दम में, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी प्रोपोर्शन में छोटी हो जाएगी, छोटी रह जाएगी, तो स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं इसको। और लेकिन बॉडी प्रपोर्शन में होती है
मतलब हाथ पर उतने लंबे होंगे जितनी पूरा शरीर पूरा बड़ा होगा, प्रोपोर्शन होगा पूरा सही, अनुपात सही होगा। तो या तो सॉरी तो एक तो हाइट कम होगी लेकिन बॉडी प्रोपोर्शन में होगी, दूसरा सेक्सुअली एक्टिव भी होगा, सेक्सुअली एक्टिव भी होगा पर्सन, सिर्फ उसकी जो बॉडी है उसको कम ग्रोथ हुई है। ठीक है ओके सर, मैं तो आप इसमें क्या लिखोगे, स्टंटेड ग्रोथ बॉडी, द एंटायर बॉडी इज स्मॉल बट इन राइट प्रपोर्शन, ठीक है, एंड सेक्सुअली एक्टिव। तो ये तीन पॉइंट्स को आपने आपको इसमें लिखने हैं। एक्रोमाइग्रिया क्या है, एक्रोमाइग्रिया मतलब आफ्टर प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, तो सिर्फ आपके जो हैंड और फीट हैं बस वो स्मॉल रह जाएंगे, बाकी पूरी बॉडी सही होगी लेकिन आपके हैंड और फीट जो होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, रह जाएंगे। ठीक है, ये स्मॉल रह जाते हैं, इसे हम कहते हैं एक्रोमाइक्रिया। इसमें ग्रोथ हार्मोन क्या है, आफ्टर प्यूबर्टी इसका कम सीक्रेशन हो रहा है, अगर प्यूबर्टी से पहले कम सीक्रेशन होता है तो द्वार फिसक हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, हाइपर सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन में भी दो कंडीशन होती है, पहली क्या है जिजेंटिज्म, ये क्या होता है, इसमें क्या है प्यूबर्टी से पहले हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, बिफोर प्यूबर्टी, हाइपर सीक्रेशन बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बॉडी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी। लेकिन बॉडी जो है वो प्रपोर्शन में होगी, बट बॉडी विल बी प्रपोर्शन, मतलब बहुत लंबा आपको दिखाई देगा पर्सन, उसके हाथ पैर उसी हिसाब से लंबे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पूरी हाइट बढ़ गई और हाथ पर छोटे रह गए, तो बॉडी प्रपोर्शन बढ़ेगा, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल से जिजेंटिज्म। दूसरी इसमें कंडीशन होती है क्या, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली का मतलब क्या है कि इसमें जो फेस की बोन्स हैं, फेस की जो बोन्स हैं स्पेशली वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाती है, सही प्रोपोर्शन में नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और इसमें क्या है, ये आफ्टर प्यूबर्टी हाइपरसेक्रेशन हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी, तो फेशियल बोन्स बिकम डिसप्रोपोर्शनेट, अजीब सा चेहरा हो जाएगा थोड़ा सा, या तो चिन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, फिर कोई फेस की कोई बोन ज्यादा बड़ी होगी, कोई कम हो गई है, तो फेशियल जो बोन होती है वो सही प्रपोर्शन में नहीं होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली। तो दिस इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मैंने बताया था आपको हाइपोथैलेमस के पास दो टाइप का हार्मोन, एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटरी। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट ना हो इसके लिए हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को हम सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं। सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, तो आपसे मैं पूछता है कि सोमेटोस्टैटिन क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है विच रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी में इनहिबिट कर देगा ताकि वो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट ना करे। अच्छा एक पॉइंट और था कि अगर आपसे पूछता है कि क्या ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक है, डायबिटोजेनिक मतलब क्या होता है, डायबिटीज का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाना, डायबिटोजेनिक हर वो चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ाती है, तो क्या ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक है, बिल्कुल है।
क्यों? क्योंकि वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड में, इसलिए वो कैसा है, डायबिटोजेनिक। तो आपसे कहीं क्वेश्चन आता है तो आप उसको यस कीजिएगा। डायबिटोजेनिक, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट हार्मोन हमने क्या देखा था इसमें, ACTH, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था, TSH। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था, प्रोलैक्टिन, फिर गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, FSH और LH, ओके। तो ACTH का हम देख चुके हैं फंक्शन क्या होता है, हमने हाइपोथैलेमस में देखा था कि जो ARH होता है, मैंने बताया था आपको, हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करती है ARH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ARH स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये मैंने हाइपोथैलेमस में बता चुका हूँ, और ये स्टिमुलेट करती है इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। तो हमें फंक्शन पता है इसका क्या होता है, हमें जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर पढ़ने के बारे हम पढ़ चुके हैं इसको हाइपोथैलेमस में, कि स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होने के बाद क्या करेगी, वो हम एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ेंगे, हमें अभी सिर्फ पिट्यूटरी के बारे में जानना है, पिट्यूटरी क्या करती है, पिट्यूटरी रिलीज करती है इसको और ये स्टिमुलेट करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट्स इट। ऐसे ही TSH है, उनको पता है TSH रिलीज बाय एड्रिनल पिट्यूटरी, और फिर ये TSH क्या करती है, इट स्टिमुलेट्स द थायरॉयड ग्लैंड, ये भी हम हाइपोथैलेमस में देख चुके हैं, थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी और थायरॉयड ग्लैंड जो होगी फिर आगे फंक्शन करेगी जो हम थायरॉयड ग्लैंड में पढ़ेंगे, ओके। प्रोलैक्टिन को पता है, प्रोलैक्टिन के बारे में देख चुके हैं, इट स्टिमुलेट्स द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड स्टिमुलेट क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन, ओके। गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में हमको पता है कि दोनों हार्मोन है, अब ये दोनों हार्मोन गोनेड्स पे क्या एक्शन करेंगे वो गोनेड्स से पढ़ेंगे, हमें पिट्यूटरी पे सुनना जानना है कि पिट्यूटरी रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन्स व्हिच एक्ट्स ऑन गोनेड्स, गोनेड्स मतलब ओवरी एंड टेस्टिस, और दीज आर टू FSH एंड LH, ठीक है, ओके। देखिए वो भी बात इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी की, अब हम देखते हैं इसकी मिड पिट्यूटरी का, ठीक है, हम मिड पिट्यूटरी भी देख चुके हैं हाइपोथैलेमस में, मिड पिट्यूटरी में क्या था, कौन सा हार्मोन था, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमने देखा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज कर रहा है क्या, MSH RH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एक्शन करता है, स्टिमुलेट करता है इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है क्या, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और MSH जो है फिर स्टिमुलेट करता है किसको, मेलेनोसाइट्स को, मेलेनोसाइट्स क्या होती है, स्किन में, और मेलेनोसाइट्स रिलीज करती है क्या, मेलेनिन, और मेलेनिन क्या करता है, रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जितना ज्यादा मेलेनिन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा जो स्किन है वो डार्क होगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मेलेनिन विल डिसाइड द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, एज मच एज मेलेनिन विल गेट रिलीज्ड द पिगमेंटेशन विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड, ठीक है, ओके। ये होगी मिड पिट्यूटरी, मिड पिट्यूटरी सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करती है, ओके। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट पिट्यूटरिन, वी कॉल इट पिट्यूटरिन, पिट्यूटरिन क्या है, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है उसका सिक्रीशन। अब पिट्यूटरिन में दो हार्मोन होते हैं, पिट्यूटरिन कंटेन टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब एक एक करके समझ लेते हैं इसको क्या है,
ऑक्सीटोसिन जो है ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, ठीक है, इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब इतना नाम क्यों मिले इसको देखते हैं जरा, इसके फंक्शन के बेस पर ही मिले डेफिनेटली। बर्थ हार्मोन को इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कॉजेस यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी या पार्चुरेशन। तो यूट्रस की जो मसल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उनका बहुत जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो जो फीटस है, जो फुली फॉर्म फीटस है, वो आगे प्रोपेल नहीं होगा और आगे निकलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं बाहर, ठीक है। तो इसीलिए यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी डॉक्टर्स बाहर से भी इंजेक्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ओके। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए याद रखिए प्रोडक्टिन है, लेकिन मिल्क इजेक्शन हो मेमरी ग्लैंड से उसके लिए ऑक्सीटोसिन काम करता है। तो हेल्प्स इन इजेक्शन, यस इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। From memory glands या breast, ठीक है। तो ये हो गया क्या? ऑक्सीटोसिन। अच्छा, जो मिल्क मैन होते हैं, मतलब जो दूध वगैरह देते हैं, जो घर गाय भैंस रखते हैं, तो वो एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है? पिटोसिन। पिटोसिन ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, और वो इसको इंजेक्ट करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे मिल्क जो होता है वो ज्यादा इजेक्ट होता है, क्योंकि मिल्क इजेक्टिंग इसकी प्रॉपर्टी है, तो ज्यादा मिल्क इजेक्ट होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम पिटोप्रेसिन या पिट्रेसिन कहते हैं, और एंटी डायबिटिक हार्मोन मतलब एडीएच भी कहते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन या एडीएच या पिट्रेसिन या वैसोप्रेसिन एक ही बात है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका। देखिए इसका फंक्शन जो है ये हमारा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। तो इट एक्ट्स ऑन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। डीसीटी क्या है? डिस्टल, मैं यहां पर लिख रहा हूं डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, इस पर एक्शन करता है और वहां से वाटर एंड सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है एंड कॉजेस वाटर एंड सोडियम आयंस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये क्या है? वैसोप्रेसिन या एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसका नाम समझिए एंटी डायबिटिक क्यों है, क्योंकि अगर वहां से वाटर बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा नेफ्रॉन से तो क्या होगा? तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है या यूरिन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो गया पहले नेफ्रॉन में, ठीक है। तो ये सब आप समझ जाओगे जब हम एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, तो ज्यादा इसमें डीप में मत जाइए, पर समझ लीजिए कि यूरिन के अमाउंट को कम करने में हेल्प करता है
डायूरेटिक, डायूरेसिस क्या होता है यूरिन, यूरिनेशन, तो एंटी डायूरेटिक का मतलब ये कम कर, एंटी मतलब अगेंस्ट में काम कर रहा है उसमें, ठीक है। तो हमारी बॉडी से यूरिन कम पास आउट हो, अमाउंट कम पास आउट हो उसका, इसलिए ये हार्मोन काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। पिट्रेसिन भी कहते हैं इसको, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीटेड।